पर ठगी के 95 प्रकरण दर्ज हुए हैं, संख्यात्मक विवरण साइबर परिशिष्ट ऐप पर संलग्न है। 95 प्रकरण दर्ज हुए हैं, संख्या साइबर ठगी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण परिशिष्ट वेब पर संलग्न है। साइबर ठगी को रोकने के लिए किए गए प्रयासों का विवरण दर्ज प्रकरणों में साइबर ठगी के शिकार हुए 98 व्यक्तियों को धन वापस कर दिया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट वेब पर संलग्न है। 98 व्यक्तियों को धन वापस कर दिया गया है, अध्यक्ष महोदय, इसका विवरण परिशिष्ट वेब पर संलग्न। पूरे राज्य में साइबर क्राइम कैटेगराइजेशन करके उसका कोई आकलन किया है क्या? इस आकलन के माध्यम से साइबर क्राइम की रोकथाम में क्या बदलाव हुआ? जिस बैंक के खाते में साइबर क्राइम के तहत राशि ट्रांसफर होती है, उस बैंक के लोगों की मिलीभगत की संभावना से मना नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या सरकार बैंक खाता खुलवाने के संबंध में RBI और वित्त विभाग से तथा ट्राइक के सामने नई चिप जारी करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने का विचार रखती? परिशिष्ट वेब देखें आप तो परिशिष्ट वेब में 9 नंबर पर साइबर अपराध में प्रयुक्त बैंक खातों पब्लिक पेमेंट गेटवे अकाउंट्स को फ्रीज किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैंने लार्जर परिपेक्ष में बात कही है। फ्रीज करने से पहले इसलिए मैंने कहा है कि इसको फ्रीज करना इज वन पार्ट, जहां से ट्रांसफर हो जाता है उससे पहले, उसके बाद में आप क्या कर पाएंगे? जितना भी नोडल जो जिस आदमी को स्केपगोट बनाया है वो इस प्रकार का व्यक्ति होगा जिसके नाम से खाता है, वो बिल्कुल इनकेपेबल है उतने अमाउंट का खाता धारित करने के लिए। इसलिए कि आपको वित्त विभाग और भारत सरकार के वित्त विभाग RBI से कोई संबंध में ब्रेक लगाने के लिए, रोक लगाने के लिए कोई विशेष हो गए? फिर देखें आप इसको 4 नंबर को, हाँ, परिशिष्ट वेब है। साइबर अपराधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने मोबाइल नंबर IMEI नंबर व बैंक खाता धारक की जानकारी प्राप्त करने हेतु साइबर कैप पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। ये सब भारत सरकार की मदद से हो रहा है। अगला संदीप कुमार 4-5। वर्तमान में संविदा सेवा नियम 2022 में पूर्व